याद रखना, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि ज्ञान ना होने से प्रजा क्या होती है? नाश होती है। जिसके अंदर ज्ञान है, देखो मैं आज तक स्थिर हूं तो ज्ञान के कारण हूं। मुझे पता है वचन ये कहता है, वचन में ये लिखा है, अगर मैं किसी भी बुराई के रास्ते में जाऊंगा, पाप के रास्ते में शैतान मुझे लेकर जाएगा, मुझे फंसाने की कोशिश करेगा, तो मैं वचन, मुझे पता है वचन तो ये कहता है, वचन में तो ये लिखा है। हाँ, मैं फोन देखूं, उसमें गंदी मूवी देखूं, ब्लू फिल्में आती है, कई कुछ है, तो मुझे पता ये एक पाप है, तो मैं क्यों जाऊंगा उस रास्ते। हाँ, मुझे पता है कि सच्चाई, बाइबल कहती है कि सच्चाई को जानकर अगर कोई जानबूझकर पाप करेगा, फिर पापों के पश्चात कोई दूसरा बलिदान नहीं है, फिर एक बवंडर वो बाकी है जो नाश होने के लिए फिर है, और सही समय पे परमेश्वर दयावान है। कहते हैं ना, जैसे सुबह का बूला शाम को घर आ जाए, पर पाप फंसाता है। याद रखना, ये जो जंतर है ना, ये वाला जंतर, ये बड़े फायदे का और नुकसान का भी, इसी जंतर के कारण ये फंस गया किसी लड़की के चक्कर में, इंस्टाग्राम में। इस सिस्टर का नाम कवलजीत कौर है और जे गुजरपुरा गांव के रहने वाले हैं और इनके हस्बैंड है, और इनकी गवाही जे बता रहे कि 3 महीने हो गए थे, और जो कि जो इनके हस्बैंड वो संगति में नहीं थे आ रहे, क्योंकि इस ब्रदर जी का संगति में आने का मन नहीं करता था, और जो सिस्टर का विश्वास था, और जो बता रहे कि इनका बहुत मन करता था कि जो हर एक मीटिंग में आए, पर जो बता रहे कि 3 महीने से जब भी जो अपने हस्बैंड को संगति में आने के लिए कहते थे, तो जो हर बार जो मना कर देते थे, और जो बता रहे कि जो छोटी छोटी बात पर भी क्लेश करते थे, पर जो सिस्टर बता रहे कि इनको कुछ पता नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है, पर जैसे इनको पता चला, क्योंकि जो ब्रदर जी का किसी लड़की के साथ गलत रिलेशन था, जिसके कारण जो ब्रदर जी का मन किसी भी बात में नहीं था लग रहा, और जो बता रहे कि जब भी संगति में जो सिस्टर आते थे कभी कभी, तो जो विश्वास में बने थे कि परमेश्वर जो भी जो नेगेटिव पावर इनके हस्बैंड को के जीवन में है, और सच में जो पाप है, सच में परमेश्वर आप इससे इनको आज़ाद कर चुके हो, और जो सिस्टर विश्वास में बने रहे, और जो बता रहे कि जैसे कि छोटी छोटी बात पर इनका क्लेश हो जाता था, और जो जान भी चुके थे, और एक महीना हो गया था कि इसी कारण ही जो सिस्टर अभी अपने मायके में रह रहे थे, और जो इनके मायके की फैमिली थी, इस सिस्टर के फादर और मदर ने अभी बोल दिया था कि अब हम वहाँ नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो ब्रदर ने भी अभी मना कर दिया था कि जो अपने मिसेज को अपने साथ नहीं रखेंगे, और जिसके कारण जे काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जे सिस्टर तो हर समय विश्वास में बने थे कि परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ भी है आप अच्छा कर चुके हो, पर जो सिस्टर के मायके वाली फैमिली थी वो विश्वास नहीं करते थे, और उन्होंने इनको बोला कि हम अभी आपको वहाँ नहीं भेजेंगे, और हम अभी थाने में भी इसके कंप्लेन करेंगे, और ऐसे इन्होंने कंप्लेन भी कर दी, और जिसके कारण जे बता रहे कि दोनों फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, और काफ़ी कुछ इनकी फैमिली ने भी इनको बोल दिया, और जिसके कारण जे सिस्टर बहुत ही अपसेट हो गए थे, और जिसके कारण जे संगति में भी नहीं आ रहे थे, पर इस मिनिस्ट्री में इस ब्रदर जी की सिस्टर आ रहे थे, और जैसे कि वो इनकी जो सिस्टर आ रहे थे और लगातार वो विश्वास में और प्रार्थना में थे। इनकी सिस्टर आज आए नहीं है? आज नहीं आए। ठीक है, बताओ। और वो जो इनके सिस्टर आ रहे थे और विश्वास में बने थे कि परमेश्वर जो भी मेरे ब्रदर इस गलत काम में है, परमेश्वर उसे इससे आजाद करे, और क्योंकि इस सिस्टर का भी विश्वास था, और दोनों की आपस में बात होती थी, और जो हर बार उनसे वचनों के बारे में प्रार्थना में उनसे सीखते रहते थे घर में, और जैसे कि जो इनके सिस्टर थे वो 22 दिसंबर की मीटिंग में आए थे, और जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के दास के मुख से वर्ड्स आया था कि जो इनके भाई बहन संगति में नहीं आ रहे किसी भी कारण, तो परमेश्वर ने संगति में लेकर आ चुके, और उनकी हर रुकावट उनके जीवन से खत्म हो चुकी है। हालेलुया। तो प्रेरित जी जो सिस्टर बता रहे कि इनके ब्रदर संगति में नहीं आ रहे, वो पहले आते थे, अभी कुछ मीटिंग्स वो अटेंड नहीं कर रहे, और जो बता रहे जैसे आज प्रभु के दास के मुख से वर्ड्स आए थे कि जिनके पति जिनके
भाई कोई भी संगति में नहीं हुआ जो रिसीव करे कि उनके साथ जहाँ पर बैठे जो रिसीव करते कि परमेश्वर जो इनके भाई संगति में नहीं आ रहे वो इनके साथ है। तो ये हो चुका है, बोलो क्या है, ये ऐसा हो चुका है, बोलो क्या है, क्योंकि जो हम अंगीकार करते हैं वो परमेश्वर से पूरा भी करता है। और जो कुछ भी आपने आज वचनों से सीखा और रिसीव किया है, मैंने कहा जो सीखा जो समझा वो पूरा, बोलो क्या है, आपका आना व्यर्थ नहीं है, उसका फल परमेश्वर आपको दे चुका है। जो ऑनलाइन अपने घरों में बैठे उन्हें भी वो फल दे चुका है, आमीन। तो जो इनकी सिस्टर थी उस दिन उन्होंने रिसीव किया और वो आगे आए तो प्रभु के दास के द्वारा उन्होंने प्रभु के दास के द्वारा घोषणा हुई कि अगर आपने विश्वास किया है तो वो बहुत ही जल्द आपके ब्रदर इस संगति में होंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आप गवाही दोगे। और जैसे ही उन्होंने रिसीव किया और प्रार्थना में बने रहे तो जैसे कि 3 महीने तक जे एक लड़की के साथ इनका गलत रिलेशन रहा, बहुत कुछ इनके घर में हो गया, पर जैसे ही परमेश्वर के पास ये सिस्टर भी जाते रहे और प्रार्थना में बने रहे और इन्होंने प्रभु के दास के साथ भी बात की और जैसे ही प्रभु के दास ने भी इनको उत्साहित किया तो आज परमेश्वर ने जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया है। और जो ब्रदर जी कहते थे कि मैं कभी भी संगति में नहीं आऊँगा, जिस सिस्टर को अपनी मिसेज को अपने साथ नहीं रखूँगा, और आज परमेश्वर ने हर एक प्रॉब्लम को इनके जीवन से ख़त्म कर दिया है। और जो वर्ड परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दिया था कि जे ब्रदर जी संगति में होंगे, और सच में आज परमेश्वर ने इनके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट किया है। आज कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जे ब्रदर ने परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगी, अपने मन को फिराया, और सच में जैसे इन्होंने अपने मन को फिराया तो आज जे ब्रदर जी संगति में है, आज इनके मन में कोई भी गलत विचार नहीं है और आज परमेश्वर के सामने अपने मन को लेकर आए और माफ़ी मांगते कि परमेश्वर आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा और मुझे परमेश्वर आप माफ़ कर चुके। और जैसे इन्होंने माफ़ी मांगी और मन फिराया तो परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से भी आज़ाद कर दिया है और आज फिर परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है और आज इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, दिल से। अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई। अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई। ये बड़ा काम किया है, छोटा नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा जैसे नीति वचन 28:13 में के जो अपने अपराध छिपाकर रखेगा, क्या रखेगा, वो और भी विपत्ति में फंसेगा, पर जो अपने अपराध को मान लेगा, बाइबल कहती उस पर दया की जाएगी। क्या की जाएगी, इसने अपराध किया है। जब आप इब्रानियों में पढ़ते हो तो वहां पे 10:23 में लिखा के सच्चाई को जानकर कोई अगर जानबूझकर पाप करेगा, क्या करेगा, तो फिर पापों के पश्चात कोई दूसरा बलिदान नहीं है। देखो तुम नहीं जानते, तुम एक पाप करो, तुम 100 करो, 1000 करो, तुम 1,000,000 करो, परमेश्वर इतना दयावान है कि वो माफ करता है। अरे यीशु मसीह के पास व्यभिचारिणी औरतें आई, वेश्या के जीवन से हमने पिछले दिनों में हमने ये सरमन सुना था कि वेश्या के कुल से ही यीशु मसीह आए हैं। देख लो उसकी दया, देख लो उसका प्रेम जो उसने हमसे किया है, समझ आ रही ना। पर वेश्या जानती नहीं थी, पर जब उसने जाना कि सच्चा परमेश्वर कौन है तो उसने अपने उस बुरे काम को छोड़ दिया। पर बाइबल याद रखना, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि ज्ञान ना होने से प्रजा क्या होती है, नाश होती है। जिसके अंदर ज्ञान है, देखो मैं आज तक स्थिर हूं तो ज्ञान के कारण हूं, मुझे पता है वचन ये कहता है, वचन में ये लिखा है। अगर मैं किसी भी बुराई के रास्ते में जाऊंगा, पाप के रास्ते में शैतान मुझे लेकर जाएगा, मुझे फंसाने की कोशिश करेगा, तो मैं वचन, मुझे पता है वचन तो ये कहता है, वचन में तो ये लिखा है, हाँ
मैं फोन देखूं, उसमें गंदी मूवी देखूं, ब्लू फिल्में आती हैं, कई कुछ है, तो मुझे पता ये एक पाप है, तो मैं क्यों जाऊंगा उस रास्ते? हाँ, मुझे पता है कि सच्चाई, बाइबल कहती है कि सच्चाई को जानकर अगर कोई जानबूझकर पाप करेगा, फिर पापों के पश्चात कोई दूसरा बलिदान नहीं है, फिर एक बवंडर वो बाकी है जो नाश होने के लिए फिर है, और सही समय पे परमेश्वर दयावान है। कहते हैं ना, जैसे सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, पर पाप फंसाता है, याद रखना। ये जो जंतर है ना, ये वाला जंतर, ये बड़े फायदे का और नुकसान का भी, इसी जंतर के कारण ये फंस गया किसी लड़की के चक्कर में, इंस्टाग्राम में बातचीत हुई, तो ये इसकी पत्नी है और शायद पहले भी इनकी, आपकी शादी कैसे हुई है? शर्माना नहीं बताऊं, कोई बात नहीं बताओ, तब मैरिज हुई है। हाँ, लव है कि अरेंज है? लव को अरेंज में किया। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड, कोई बात नहीं है ना। जैसे मान लो इनका आपस में थोड़ा था तो अरेंज, मतलब ऐसे हुए ही शादी, पर अगर अब हमारा पहला सा प्रेम नहीं बना रहा तो फिर वो प्रेम क्या है? बोलो क्या है? हाँ जी पापा, समझ आ रही ना? देखो, जब मैं भी नहीं जानता था, मैं भी संसार के जैसा था, पर जब मैंने जान लिया, परमेश्वर इस बात का गवाह है। बोलो क्या है? मुझे नहीं पता जिनकी शादी होगी है उनके मन कैसे हैं, बहनों के, भाइयों के, पर जब से मेरी शादी हुई है, मुझे तो अपनी पत्नी के अलावा कुछ भी, हाँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, समझ आ रही ना? ये क्यों होता है? क्योंकि जब इंसान खुदावन के वचन को अच्छे से नहीं समझता, हमें पता है ये पाप एक बुराई है, क्योंकि हम प्रभु में, समझ आ रही ना? तो ये परमेश्वर को बड़ी घृणा योग है ये चीज, ये जो लोग इंसान करता है, पर पाप फंसाता है। इसीलिए लिखा कि शैतान सी के समान हमें फाड़ने के लिए तैयार रहता है, कब कोई गलती करे और उसमें फिर से फंसाऊं, वो तैयार रहता है। पर तुम स्थिर रहना है, तुमने जिस वचन को, जिस सच्चाई को तुमने पहना है, प्राप्त किया है, तुमने स्थिर रहना है। तुम्हें पता है ये गलत है। यीशु मसीह ने तो यहां तक कहा कि तुम, अगर तुम तुम्हारी आंख किसी को बुरा देखती है, तुम्हारे मन में किसी को देखकर मन में कुछ ऐसा विचार आ गया, तुम व्यभिचार कर बैठे, इतना स्ट्रिक्टली है परमेश्वर का कानून। पर जो स्थिर रहता है, उसमें बना रहता है, परमेश्वर का भय मानता है, क्या मानता है बोलो, परमेश्वर का, जैसे चौंती भजन सहता जबूर में भी लिखा ना, उसकी चौंती की 10 में के धर्म वालियां दे द्वाले, परमेश्वर अपने दूतां दी शाम नहीं करता, जो डरता है उससे, उसका भय रखता है, पर जब नहीं रखता तो फिर वो उसे फंसा लेता है, जैसे इसे फंसा लिया। देखो, अगर इसकी सिस्टर इसके लिए विश्वास ना करती, वो ना प्रार्थना ही करती परमेश्वर से, बोलो क्या है, वो ना प्रार्थना ही करती कि परमेश्वर तेरे वचन में ऐसे लिखा है। जब भी मैं वचन परमेश्वर मेरे मुंह से देता था, जब भी मैं प्रार्थना करता था, तो वो रिसीव करती थी। जब आप अपने सुना कि उसने इस वचन को, उस डिक्लेरेशन को ग्रहण किया, जो घोषणा परमेश्वर ने मेरे मुंह से की, बोलो क्या की, जो घोषणा मेरे मुंह से की परमेश्वर ने, समझ आ रही है कि जिनके भाई बहन इस संगति में नहीं आते वो आ चुके, वो विश्वास करती, वो ग्रहण करती थी। इसलिए ऐसा नहीं होता अगर कोई बंदा विश्वास नहीं करता, अगर पत्नी विश्वास नहीं करती, पति विश्वास करता है तो उसके लिए हो जाएगा, अगर पति विश्वास नहीं करता, पत्नी विश्वास करती, लिखा उसके विश्वास से भी उसका जीवन बचाया जाएगा। देखो परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन में कितनी ऑप्शन है हमारे लिए, है ना, नहीं तो कितना औखा है। अगर बेटा विश्वास नहीं करता, मां करती है तो भी बच जाएगा, पति विश्वास नहीं करता,
बेटी विश्वास नहीं करती, मां करती है, मां नहीं करती, बेटी विश्वास करती है, उसके विश्वास से वो बचाई जाए, ऐसा कानून है परमेश्वर का। और इस भाई साहब की सिस्टर के विश्वास ने इसे उस अंधकार में से परमेश्वर ने फिर बुला लिया है। क्या कर लिया है? फिर से बुलाया है परमेश्वर ने। देखो परमेश्वर ने, ये इसकी पत्नी है, कितना कितना टाइम होगा अपनी आपकी शादी को? पापा जी 2 साल। 2 साल है अभी आप प्रेग्नेंट हो? हाँ जी पापा जी। हाँ देखो है ना, तो लोग तो इन चीजों को तरसते हैं संसार में, तो परमेश्वर ने ब्लेस भी किया है, पर शैतान को झलन होती है ना, इसलिए हमेशा ही जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं उसके साथ चलते हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है, पर जो वचन में स्थिर रहते हैं, बने रहते हैं, फिर उनका कुछ नहीं बगाड़ता। पर ध्यावान या परमेश्वर, इसने अपने पाप को माना, इस भाई साहब की उस बहन की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने स्वर्ग में सुना। हाँ मेरे मुंह से परमेश्वर ने बोला, सारा कुछ मिलकर खुदा ने आज उस अंधकार से बुलाया और आज अपनी संगति में अपने लोगों में खड़ा किया है, फिर से इस बेटी के साथ जो इसका जो पवित्र रिश्ता है, बोलो क्या ये एक पवित्र रिश्ता है? इसलिए इब्रानियों में लिखा ना कि जो ब्याह है ना, ब्याह है कैसे लिखा, मैं इस वचन को आपको देता हूं, ये जो वचन है जब निकाह होता है, आपका निकाह हुआ था कि क्या हुआ? सच्ची? हाँ जी। किसने किया था आपका निकाह? पापा जी, पास्टर जी ने किया था। हाँ देखो, मैंने थोड़े दिन पहले एक निकाह किया था, और मेरी आदत है मैं जब भी मुझे कोई निकाह करने के लिए बोलता है ना, तो मैं हमेशा वो निकाह में वही वचन वही लाइनें नहीं पढ़ता, हर निकाह में अलग बातें होंगी जो खुदावंद स्वर्ग से मुझे देता है। आमीन। सुनो, सबसे पहले ये इब्रानियों 13:4 में लिखा हुआ है, सबसे व्याह सब में आदर की बात समझी जाए और व्याह बिछोना निष्लंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परम स्त्री गमियों का न्याय करेगा। क्या करेगा बोलो? न्याय करेगा, न्याय। इसलिए व्याह सबसे परमेश्वर ने लिख करना आदर की बात समझाए और व्याह बिछोना निष्लंक रहे। निष्लंक व्याह बिछोना मतलब ये एक पवित्र, ये एक पवित्र रिश्ता है परमेश्वर की नजर में, पर वही पवित्र रिश्ता अगर एक मर्द दूसरी स्त्री के साथ व्याह होने के बाद वो दूसरी स्त्री से संबंध बनाता है और एक स्त्री दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती है, तो ये निष्लंक हो जाता है, ये परमेश्वर के सन्मुख ये घिरना योग है, ये पाप की बात समझी जाती है। समझ आ रही है? इसलिए ये जो वचन है ना, जब निकाह होता है तो तब भी ये पढ़ते हैं। हाँ, अगर सही से मन में बैठा होता वचन निकाह के समय, क्योंकि निकाह एक पवित्र, परमेश्वर के सामने हम उसके वचनों के सामने दो है ना, एक डोरी में बंधने की परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा को वादा के सामने उसके वचन के साथ करते हैं। पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का, इसकी बहन की प्रार्थनाओं को उसने सुना, मेरे मुंह से जो वचन दिया उसने बचा लिया, इसे नाश नहीं होने दिया, फिर से खड़ा किया है। अब गलती नहीं करना, ठीक है? जो वचन कहता है उसका भय मानना है, परमेश्वर तुम्हें बहुत ब्लेस करेगा। चोर से एक बार, ये बड़ी गवाही है छोटी नहीं, चोर से तारीफ करो। नहचायक के नहीं पहाड़ खलो सकेदा, नहचायक के नहीं पहाड़ खलो सकेदा, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकेदा, करिए जे विश्वास सब कुछ हो सकदा, ते 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 सब कुछ हो सकदा।
से बोलो हालेलुया। खुदावन की इस बड़े काम के लिए दोनों हाथों को उठाकर फिर से मैं इनके जीवन को परमेश्वर ने मिलाया, मुझे इतनी खुशी हो रही है। तारीफ कर दो दोनों हाथों को उठाकर। आमेन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। बस बने रहना प्रभु के वचन के साथ आप, ठीक है।